अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम आए हैं अपने हवेली में, जहाँ के जहाँ पे गांव आप जानवर होते हैं, उनका चारा जो है वो अब्दुल्ला साहब ने अभी भी लेके आए हैं। देखे स्कूल से आए हैं, अभी भी यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है, दिखाएं दी। तो ये मुझे कह रहे थे पहले मुझे चारा जो है ना वो कटवाएं, तो मैं आया हूँ कुछ कटवाने, तो आइए काटते हैं, शुरू करते हैं। एक कार से हैं, आराम आराम से दिला, जोर नहीं लगाना, ये ना हो मैं थक जावा, क्योंकि काफ़ी देर बाद यहीं का काम करूँगा। क्या हो गया, काफ़ी दिनों बाद ये काम करने लगे हैं, तो आराम आराम से करना होगा। बहुत इधर इधर करो, ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, ऐसे समझ लो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है। अपनी साइकिल भी उठा ले, हाँ क्या हुआ उधर ही जा, बच्ची आ गई। वीडियो बस तो ये चारा हमने सारा काट लिया है, बाकी ये बहुत मुश्किल काम है, बाकी ही ये बहुत मुश्किल काम है, ख़ास करके हमारे जैसे बंदों के लिए जिन्होंने कभी इतना हार्ड काम किए ना हो। ठीक है, ये और देखा जाए ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा काम है, फिटनेस जो है वो बंदे की काफ़ी बेहतर हो सकती है ये काम करने से। पर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला साहब देखिए अभी भी स्कूल से आए हैं, तो वो देखें उस्मान क्या कर रहा है, वो भी अभी भी स्कूल से आया तो सीधा साइकिल को पकड़ लिया इसने, ले जाओ। ये जो है हमारी हवेली है जानवरों की, यहाँ पे देखें क्या कहते हैं जानवरों को चारा, जैसे पंजाबी में कहते हैं तूड़ी, और कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है पुराना। और इधर जानवर जो है वो सर्दियों में जब ज़्यादा ठंड होती है तो इधर इनको बांध देते हैं, एक वो वहाँ, एक वो इधर, एक वो सेंटर में और एक इधर, तीन चार जानवर हमारे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चलिए जी कार आ जाओ, चलिए चलो जी उस्मान साहब, अब चलिए। क्या हुआ है ये देखो, सुनो वो है कितनी स्पीड से जा रहा है वो।